हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व किया था और आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 12 और देखिए प्रैक्टिस सेट 1.2। तो इसका क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज टू द फॉलोइंग। देखिए, उनकी जो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की गई है, उस आइडेंटिटी को लिखना है केवल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, 8/11 इंटू 3/5 इज इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई 8/11। देखिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। केवल प्रॉपर्टी लिखनी है, आपको सोल्व नहीं करना है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये है -2/7 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 2/8 इज इक्वल टू -2/7 इंटू 4/3 इंटू 2/8। देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में 4/3 इंटू 2/8 और यहाँ पे हैं -2/7 और 4/3। देखिए, अगर तीन नंबर हैं ए बी सी, ठीक है, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आता है सेम। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन की भी होती हैं और ये मल्टीप्लीकेशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर तीन नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, ए बी और सी को, तो देखिए बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी और सी को, ए को आप बाद में कर सकते हैं, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर थर्ड, थर्ड है 3/4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। देखिए, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। ओके, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। ये होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, केवल आपको आइडेंटिटी का नाम लिखना है, 9/11 इंटू 3/4 -2/6 इज इक्वल टू होगा, देखिए 9/11 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 9/11 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 9/11 इंटू
टू अपॉन सिक्स। अगर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ओवर एडिशन भी होती है, अगर यहाँ प्लस होगा तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी अगर इस तरह से होती है ये, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो a b को भी मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू बी प्लस सी a इंटू सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे केवल आपको प्रॉपर्टी का नेम लिखना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्लोजर और कम्यूटेटिव को वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन टू का ए पार्ट है, टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई थ्री अपॉन सेवन। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कट रहा होगा तो उसे काट देंगे, अदरवाइज न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिक्स अपॉन थर्टी फाइव, ये क्या है, सिक्स अपॉन थर्टी फाइव क्या है, रेशनल नंबर। और प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है ये क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड। अब इसी में करना है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसको लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। और कम्यूटेटिव, अगर टू अपॉन फाइव को मल्टीप्लाई करें थ्री अपॉन सेवन से, तो ये होगा थ्री अपॉन सेवन इंटू टू अपॉन फाइव। ठीक है, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, सिक्स अपॉन थर्टी फाइव इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थर्टी फाइव। तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। वेरीफाइड ठीक है, इसी तरह इसके अदर पार्ट्स करने। चलिए सी पार्ट देखिए इसका। माइनस फोर अपॉन इलेवन इंटू ट्वेंटी टू अपॉन थर्टीन। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिवाइड इलेवन से डिवाइड हो जाएगा, टू जा इलेवन टू जा ट्वेंटी टू,
तो 4 2 जा -8/13, -8/13 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। यहाँ से क्या होगी, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड, और -4/11 × 22/13 इज इक्वल टू होना चाहिए 22/13 × -4/11, 2 जा 11 से 2 जा -8/13 इज इक्वल टू 4 2 जा -8/13। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड इस तरह से आपको इसके अदर पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई द प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट एसो क्वेश्चन 3 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है आपको। तो देखिए एरो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी x(y)(z) इज इक्वल टू x(y)। तो यहाँ पे देखिए इसका हम कर रहे हैं सी पार्ट। x है -2/7, y -5/6, और z -1/4। तो ये सारी वैल्यू हम इस प्रॉपर्टी में रख देंगे, -2/7 × y की वैल्यू -5/6 × 1/4 इज इक्वल टू -2/7 × -5/6 × 1/4। तो यहाँ तो लास्ट की दो रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -2/7 इज इक्वल टू, देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -5/6 = 24 इज इक्वल टू, -5 का -2 से तो प्लस का 10 आ जाएगा, या प्लस का 10 या 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 और ये 3, तो -1 का -5 से 5, और 7 3 = 21 × 1/4। ओके आप देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 24 1 और 12। अब -1 का -5 से 5, 12 7 = 84, 5 1 = 5, 21 4 = 84। तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो यानी ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम तीन रेशनल नंबर हैं तो कोई से भी दो रेशनल नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो बचा है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें साथ ही ये पूछा है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपको लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 में।
राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखिए ये होता है a अपॉन b का होगा b अपॉन a, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ का a पार्ट है 2/7, तो देखिए यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका ए पार्ट है 2/7, तो इसका होगा 7/2, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। सर -3/5 का होगा 5/-3, सी 8/-11 का होगा -11/8, और डी देखिए -4/-9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/4, ओके। और देखिए साथ ही अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2/7 × 7/2, तो ये हमेशा से क्या आएगा, इनकी प्रोडक्ट 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई देखिए रेशनल नंबर है 3/18, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 18/3, और इनका इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका प्रोडक्ट 3/18 × 18/3, 3 से 3 कैंसिल और 18 से 18 = 1, जब सब कैंसिल हो जाता है तो आंसर आएगा 1, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ एक रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर है क्या -2/5, और ऐड करना है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/-2 या -5/2, माइनस अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी है तो उसको न्यूमरेटर में पहुंचा सकते हैं, तो इनको ऐड करना है -2/5 + -5/2, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = -4, 5 × 5 = -25, और 5 × 2 = 10, तो ये जो दोनों माइनस हैं, या ऐसे लिख सकते हैं +-25, माइनस के 4 और माइनस के 25, माइनस के 29/10, ये आंसर आएगा। इसमें क्या है, ऐड किया था रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 3/-7 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स,
क्वेश्चन सेवन, ठीक है। क्वेश्चन सेवन में थ्री अपॉन माइनस सेवन, इसका एडिटिव इनवर्स होगा थ्री अपॉन सेवन। देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है, केवल पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते। इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई यानी इनका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट बताना है दोनों का, थ्री अपॉन माइनस सेवन इंटू थ्री अपॉन सेवन, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, तो नाइन अपॉन सेवन सेवन जा 49, या इसको माइनस नाइन अपॉन 49 भी लिख देंगे, ओके। तो देखिए आज हमने सोल्व किया क्वेश्चन वन से सेवन तक। क्वेश्चन वन में था प्रॉपर्टी बताना, क्वेश्चन टू में था प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना, क्वेश्चन थ्री भी वेरीफाई करना है, उसके बाद क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स वो हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो फेयर कॉपी में वर्क कीजिए, अदरवाइज़ जो पीडीएफ की हेल्प से आप अपना वर्क करेंगे, ओके। थैंक यू।